क्वेश्चन में दिया गया एक ट्रेन की लंबाई हंड्रेड मीटर है और वो एक ऐसे आदमी को पार करती है सेकंड में जिसकी स्पीड किलोमीटर पर आ रहे हैं। और वो भी ट्रेन की, तो की, तो ट्रेन ट्रेन की लेंथ हमारे पास में टी है जो कि हमें गिवन है और कितनी हंड्रेड मीटर ओके ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता मान लीजिए सपोज इट इज एक्स और अपोजिट डायरेक्शन में एक आदमी भी आ रहा है है ना देन मैन की जो स्पीड है वो है फाइव किलोमीटर पर आर फाइव किलोमीटर पर आवर ओके यहां पर मान लीजिए मैन और अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्रॉस कर रहा है अब देखिए मैन भी डायरेक्शन में स्पीड uh, मोशन में और ट्रेन भी मोशन में है तो उस केस में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी देन रिलेटिव स्पीड व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन द सम ऑफ द सम ऑफ द स्पीड ऑफ both then relative speed is x plus 5 km per hour clear अब हमें पता है कि distance equals to distance equals to speed distance equals to speed into time okay और हमें यहाँ पर time भी दिया गया और time कितना है 9 seconds कि train अगर cross करती है तो कितने time में cross करती है 9 seconds में t equals to 9 seconds 9 सेकंड में आदमी को क्रॉस कर देगी। तो हमें सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की कंसिडर होगी। अगर ट्रेन किसी पिलर को या किसी आदमी को या बर्ड को अगर क्रॉस करती है, तो उस केस में हमेशा लेंथ ट्रेन की कंसिडर होती है। स्पीड हमारे पास में है x plus five multiply by five by eighteen 5y 18 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि स्पीड हमारे पास में किलोमीटर पर आर में थी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था क्योंकि टाइम हमारे पास में सेकंड्स में और लेंथ हमारे पास में मीटर में आएगी देन कैंसिल आउट बाय 9 18 कैंसिल आउट बाय 9 इज टू टाइम्स देन टू मल्टीप्लाई टू द लेफ्ट साइड देन इट विल बी 2t इज इक्वल्स टू 5x 25 ओके okay? तो हमारे पास में टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं टी हमारे पास में हंड्रेड था देन टी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इज इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव ओके देन फाइव एक्स इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव देन इट विल बी एक्स इजिक्वल्स टू वन सेवनटी फाइव अपॉन फाइव देन वैल्यू ऑफ एक्स इज